हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज के टॉपिक में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ IEEE क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन वर्क क्या होता है, यानी कि IEEE के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप यहाँ पे जानते हैं IEEE के बारे में। IEEE है क्या? व्हाट इज IEEE? IEEE स्टैंड फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डेडिकेटेड टू एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि जो डेडिकेट करती है एडवांस टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन को बेनिफिट्स करने के लिए। स्टैंडर्ड एसोसिएशन IEEE ऐसे इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद IEEE। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो IEEE के साथ वर्क करता है। डेट डेवलप्स ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप करता है इन ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्लूडिंग। इट डेवलप्स ए डिज़ाइन इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म हाउ टू वर्क। ये एक डिज़ाइन डेवलप करता है कि इसके प्लेटफॉर्म और जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरह से वर्क करेंगे। IEEE purpose is to develop technological innovations and excellence for the benefits of humanity। यानी कि इसका मेन पर्पस है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को डेवलप करना एंड एक्सीलेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमनिटी। यानी कि ह्यूमनिटी के लिए टेक्निकल जो भी इनोवेशंस हैं उनको डेवलप करना इसका मेन पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, इफ़ एनी प्रोडक्ट हैव ISI मार्क देन वी कैन ट्रस्ट दैट इट इज़ क्वालिटी चेक प्रोडक्ट एंड इट इज़ सेफ फॉर यूज़। जैसे मार्केट में हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके ऊपर अगर ISI मार्क लगा हुआ है तो हम उस पर बिलीव करते हैं कि ये जो ISI मार्क लगा हुआ है तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी चेक प्रोडक्ट है एंड सेफ फॉर यूज़, और हमारे यूज़ के लिए सेफ है, इससे हमें कोई भी हार्म नहीं होगा। सेम वे में, इन द सेम वे इट प्रमोट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। सेम वे में ये IEEE क्या करता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को प्रमोट करता है। प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फॉर देम, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। बाय दिस स्टैंडर्ड डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है। इट विल बिकम ट्रस्टेड इन द मार्केट एंड पीपल कैन यूज देम। और इसके स्टैंडर्ड के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मार्केट में वैल्यूएबल होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, और पीपल उन पर ट्रस्ट कर सकती है एंड दे कैन यूज देम। जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट पर ISI मार्क होता है उसके द्वारा हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं, सेम वे में IEEE भी एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, जिसके द्वारा वो मार्केट में ट्रस्टेड बन जाते हैं, वैल्यूएबल बन जाते हैं। IEEE के लेवल्स की बात करें, किस किस लेवल्स पर यह वर्क करता है। ये पावर एंड एनर्जी पर वर्क करता है, बायोमेडिकल पर वर्क करता है, हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पर वर्क करता है, टेलीकम्युनिकेशन एंड होम ऑटोमेशन पर यह वर्क करता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन पर भी ये वर्क करता है, उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। IEEE ईच ईयर ओवर 200 स्टैंडर्ड बेलॉट्स, और ये एवरी ईयर 200 से ज़्यादा स्टैंडर्ड को बेलॉट्स करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा IEEE के बारे में देगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, IEEE क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह का स्टैंडर्ड है और किस तरह के प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड यूज होता है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।